गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबलिटी फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे कोरोलियस फोर्स, लेकिन कहाँ पे? क्षैतिज दिशा में। अर्थात कोई एक पार्टिकल पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में मोशन कर रहा हो तो उस पर कोरोलियस बल कैसे लगेगा। कॉन्सेप्ट पहले हेडिंग क्लियर कीजिए। कोरोलियस फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अर्थात क्षैतिज दिशा में। इसका मतलब पृथ्वी को पहले अज्यूम कीजिए, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का शेप बनाई है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे बनी हुई, अब इसका ओरिजेंटल कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अब ये 2D दिखाने पाएंगे, लेकिन ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए पृथ्वी इस बाहर की तरफ भी आती है तो ये उसका क्या हो गया, क्षैतिज घटक। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई मोशन कर रहा है, इन सेंस की सरफेस पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोरोलियस फोर्स लगेगा, वो कैसे लगेगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी के सापेक्ष जब मोशन होता है तो उसका जो ओमेगा रहता है अर्थात एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो घटक आता है वो किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है। अभी ये फॉर्म कैसे आया, यदि आपको ये जानना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, आज अपन पढ़ेंगे कोरोलियस फोर्स, लेकिन कौन सी दिशा में? क्षैतिज दिशा में, ठीक है। देखिए क्षैतिज दिशा में समझने के लिए अपन को क्षैतिज दिशा में कोरोलियस फोर्स, देखिए क्षैतिज दिशा में अपन को फोर्स समझने के लिए अपन को एक फोर्स क्या करना है, मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान ले पार्टिकल की वेलोसिटी वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ये लीजिए। ये हमने क्या माना, क्षैतिज दिशा में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी एक्स वाई दिशा में होगी, क्लियर है? यहाँ तक देखो बेटा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए ओमेगा हमने बना रखा है, अपन जानते हैं कोरोलियस फोर्स एफ सी की वैल्यू होती है -2m ओमेगा क्रॉस वी, ये डेराइव्ड भी अपन कर रखे हैं, अच्छे से डेराइव्ड कर रखे हैं। यदि अपन अप्लाई करें कोरोलियस फोर्स अपन को देखना हो तो अपन को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, -2m पार्टिकल का मास, ओमेगा और वी डैश। देखिए हमने ओमेगा यहाँ पे लिख रखा और वी डैश हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ये आई डैश और जे डैश। अब अपन को त्वरण निकालेंगे, ठीक है, जो कोरोलियस फोर्स के लिए क्षैतिज दिशा में त्वरण होगा उसका मान कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा एफ सी। अब बल नहीं देख रहे, केवल त्वरण देख रहे, तो द्रव्यमान को हटा दीजिए, यही होगा, ठीक है। एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, -2 ओमेगा क्रॉस कितना होगा, वी डैश, अर्थात कोणीय वेग पृथ्वी का, वी डैश पार्टिकल का वेग और पृथ्वी का कोणीय वेग का क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, एफ सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, एफ सी की वैल्यू निकालने के लिए -2 बाहर रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आई के जे के और के के, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा, अब देखिए ओमेगा, तो ओमेगा जे डैश और के डैश दिशा में, ओमेगा क्रॉस भी है ना, तो पहले ओमेगा की वैल्यू लिखिए, जे डैश यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा कोस लेमडा ये जीरो रहेगी, ठीक है, और ओमेगा साइन लेमडा। यहाँ तक देखो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने केवल ओमेगा की वैल्यू पुट की, अब अपन वैल्यू पुट करेंगे वी डैश की। देखिए तो वी डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे होगी वी एक्स डैश, ठीक है, और यहाँ पे होगी वी वाई डैश, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखिए अपन रिजल्ट निकालेंगे किसका, त्वरण का रिजल्ट निकालने के लिए अपन किनको सोल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को अपन सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये आपको क्लियर विजिबल हो तो रहा है ना, ये देखिए अब हो जाएगा, ठीक है। देखिए आइए एफ सी की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो पहले जब आई को सोल्व करेंगे, आई को सोल्व कैसे करते हैं, आई पे ऐसे पूरा हाथ रख दिया और इस पे ऐसे हाथ रख दिया, तो ये देखिए जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, देखिए माइनस टू पहले से एफ सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो -2 पहले से ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो माइनस। अब किसकी बारी आएगी, देखिए आई की वैल्यू निकालने इस पे हाथ रख लिया, तो ओमेगा वी वाई डैश साइन लेमडा, ओमेगा वी वाई डैश साइन लेमडा, और -2 बाहर लिख दिया, और जे के लिए क्या आता है, जे के लिए -J डैश, ठीक है, ये मैट्रिक्स का नियम है, उसके अकॉर्डिंग हमने -J डैश लिख दिया। अब J डैश को सोल्व कीजिए, J डैश को सोल्व करेंगे तो इस पे हाथ रख लेंगे, ठीक है, और इस पे हाथ रख लेंगे, तो 0 × 0 = 0, और ये माइनस होगा, तो ये जब माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -VX डैश, और कितना हो जाएगा ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है। अब प्लस -2 बाहर है तो -2 पहले लिखते हैं, ठीक है, K डैश
के डेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर याद रख लेंगे, इस पर याद रख लेंगे, तो दैट यहाँ पे वैल्यू कौन सी जीरो होगी, देखिए के डेज की निकालने के लिए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो, और ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जीरो माइनस वी एक्स डैश ओमेगा कॉस लैम्डा। ये देखिए स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ, मैट्रिक्स को हमने सोल्व किया, कैसे किया, आई डैश जे डैश के डैश की वैल्यू निकाली। अब देखिए इनको मैनेज करते हैं, एफ सी की वैल्यू इस तरफ लिख रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, ताकि आपको एक ही बोर्ड में सारा कुछ क्लियर हो जाए, इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ सी की वैल्यू आएगी माइनस टू सब में, माइनस टू सब में, तो माइनस टू, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस टू ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा, वी वाई डैश साइन लैम्डा, ठीक है, और माइनस प्लस, और आगे वापस माइनस, तो ये क्या कर देगा माइनस, तो माइनस टू वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा, और के कैप के लिए देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टू के डैश वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ये कॉस लैम्डा, सॉरी क्या आ जाएगा कॉस लैम्डा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, कोरोलियस थ्योरम की। यहाँ तक आप लेना चाहो तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन ने हेडिंग डाली थी, उसमें हमने बोला था 36 बार, अर्थात अपन ये देखेंगे कि 36 दिशा में कोई पार्टिकल मोशन में हो तो उस पर कोरोलियस फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ तक आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब 36 दिशा में अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ये डायग्राम इसलिए बना के रखा है, ये अभी यूज़ करेंगे अपन, ठीक है, कि जेड एस कौन सी डायरेक्शन थी याद आ जाए अपन को, ठीक है, और के डेस कौन सी डायरेक्शन थी, और माइनस जेड एस आ रहा है तो डायरेक्शन कौन सी है, देखिए। चलिए अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, 36 की वैल्यू निकालेंगे। अपन ने हेडिंग क्या डाली थी, 36 दिशा में, है ना, तो हॉरिजॉन्टली वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी की टर्म आएगी, तो 36 दिशा में कौन सा रहता है, आई और जे, यही माना था, तो आई किस में था इसमें, और जे किस में था इसमें, यही था, और के किस में, सर यहाँ पे आई डैश लगा दीजिए, आई डैश, और ये है जे डैश, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखी है, तो 36 दिशा में जो त्वरण की वैल्यू आएगी एफ सी, उसकी वैल्यू होगी 2 ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा, और माइनस 2 वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ये 36 दिशा के लिए थी, आई डैश और जेड डैश। अब अपन को इनका क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, अर्थात परिणामी आपको फोर्स चाहिए, तो परिणामी फोर्स किसे कैसे निकालेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना, रूट ऑफ कैसे निकालते हैं अपन, दो सदिशों का परिणामी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। इस टर्म को यदि मैं वी एक्स बोल दूँ कंप्लीट, और इसको मैं बोल दूँ वी वाई, तो एफ सी की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो समथिंग लाइक दैट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 2 ओमेगा साइन कॉमन आ जाएगा, और इनका स्क्वायर करेंगे तो बाहर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। ये देखिए ये टर्म क्लियर हो, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए स्क्वायर से क्या बाहर आएगी, ये टर्म बाहर आएगी, ठीक है, तो ये टर्म जब बाहर आएगी तो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू बनेगी 2 ओमेगा साइन लैम्डा, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। ये आ गई आपके पास कौन सी, 36 दिशा में त्वरण, 36 दिशा में त्वरण है बेटा ये 36 दिशा में। अब अपन बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें जो कोरोलियस फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए यहाँ पे अपन को रिजल्टेंट मिला हॉरिजॉन्टली एफ सी एस मतलब कोरोलियस बल का 36 घटक, रूट करके हमने निकाली ये वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जब हमने जो 36 वैल्यू निकाली उसमें आई डैश की तो वैल्यू पॉजिटिव और जेड एस की वैल्यू क्या आई नेगेटिव, इसका मतलब समझिए आई डैश पॉजिटिव, आई डैश किस दिशा में है, इस दिशा में पॉजिटिव है, तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो आपके कोरोलियस फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, दाहिनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध के लिए, किसके लिए, उत्तरी गोलार्ध के लिए, उत्तरी गोलार्ध में जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ होगा, दाहिनी तरफ, ठीक है, ये काम आएगी वैल्यू अभी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो वैल्यू आएगी वो किस तरफ आएगी,
बाईं तरफ क्यों आएगी? दक्षिणी गोलार्ध का मतलब जस्ट क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो मतलब लेफ्ट दिशा में पार्टिकल क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ये पता कैसे चला अपन को? आई डैश की वैल्यू पॉजिटिव आई और जेड डैश की वैल्यू नेगेटिव आई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे। अब अपन को क्या करना है? यहाँ पे टू ओमेगा वी वाई है ना, वी वाई। देखिए अब अपन क्या करेंगे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अभी तक हमने केवल एफ सी एच निकाला, मतलब कोरोलियस बल का क्षैतिज घटक। अब अपन बात करें ऊर्ध्वाधर घटक की, तो ऊर्ध्वाधर घटक किस दिशा में था? के दिशा में। ठीक है, तो के डैश में वैल्यू कितनी है? टू के डैश वी डैश एक्स ओमेगा कॉस लैम्डा। यदि यही अपन बोले कि फोर्स की कोरोलियस की वर्टिकली वैल्यू निकालो, तो वर्टिकल की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू वी एक्स डैश, टू वी एक्स डैश ओमेगा कॉस लेमडा। ये क्या आ गई? उसका वर्टिकल मान आ गया, अर्थात लंबवत दिशा में मान आ गया। क्षैतिज दिशा में निकाला, लंबवत दिशा में निकाला। अब अपन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? कोरोलियस फोर्स से, कि भी कैसे नदियों का कटाव होता है, ठीक है, और कैसे चक्रवात आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अपन क्लियर करेंगे बस इसी टर्म से। ठीक है, यहाँ पे बाकी वैल्यू मिटा रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन रखूंगा, उससे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए पहले अपन बात करें नदियों के कटाव की। किसकी? नदियों के कटाव की। तो नदियों के कटाव में अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा कोरोलियस फोर्स लगेगा वो राइट दिशा में लगेगा, मतलब दाहिनी दिशा में लगेगा। तो मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है, नदियों का कटाव, नदियों का कटाव, इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं, आई डैश से भी समझ सकते हैं, और समझना चाहें तो अपन माइनस जेड डैश से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक है। किस दिशा में लग रहा है? माइनस जेड डैश, अर्थात नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे बह रही है, तो उसका ये क्षैतिज घटक हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू माइनस जेड डैश मतलब नीचे की तरफ आएगी। किस दिशा में? नीचे की तरफ। तो जब ये रोटेटिंग फ्रेम अर्थात किस पे? पृथ्वी पर बहेगी। ठीक है, तो किस तरफ मुड़ेगी? इस दिशा में माइनस जेड एस की तरफ मुड़ जाएगी। तो बहना सीधे चाहिए था, नदी कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी। तो नदियों के किनारे क्या रहती है? मिट्टी रहती है, तो मिट्टी का कटाव होना लगेगा, या नदियों का कटाव नहीं बोल सकते, भूमि का कटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि का कटाव। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नदियों का बहाव हो जाएगा और भूमि का कटाव हो जाएगा। अब अपन इसी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको? चक्रवात को। देखिए चक्रवात का मतलब क्या होता है? कि गोल गोल हवाएं स्पीड में बहेगी। ठीक है, चक्रवात को देखिए एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कोरोलियस बल से। देखिए चक्रवात का मतलब क्या? मान लीजिए ये चार दिशाएं, ठीक है, चारों दिशाओं में अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या बहेगी? हवाएं बहेगी। मान लीजिए कहीं पर बहुत अधिक न्यून दाब बना और उस जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक दाब हो जाएगा। ठीक है, अब अधिक दाब से न्यून दाब की ओर क्या बहेगी? हवाएं बहेगी। तो हवाएं भी बहेगी तो कैसे बहेगी? जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध ये इस दिशा में है, तो किस दिशा में मुड़ेगी? दाएं दिशा में। तो इसकी दाएं दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इस दिशा में क्या कैसे हो जाएगी? इस दिशा में मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा गोलार्ध आ गया? दक्षिणी गोलार्ध आ गया। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से क्या बनेगा? एक चक्कर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरफ मुड़ रही थी, तो इसके अपोजिट ये क्या मुड़ जाएगी? इस तरफ दिशा में मुड़ जाएगी, और एक प्रकार से क्या होगा? गोल चक्कर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिर दाब की वजह से चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। तो अपन समझ सकते हैं किसके द्वारा? कोरोलियस बल के द्वारा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध राइट मतलब दाहिनी दिशा में बल लगेगा, दक्षिणी दिशा गोलार्ध बाई दिशा में लगेगा, तो दोनों मिलके एक प्रकार का ऐसा सर्कुलर पाथ बना लेंगे कि जिससे क्या हो? चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और नदियों के द्वारा भूमि का भी कटाव समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था आपके किस पे? कोरोलियस बल के क्षैतिज घटक पे। अब जो अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे वो किस पे लेंगे? ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल पे लेंगे। अभी तक हमने जो हमारा पार्टिकल मोशन करा था वो सरफेस पे करा था, अब हमारा पार्टिकल सरफेस पे मोशन नहीं करके क्या करेगा? परपेंडिकुलर अर्थात उग्रद मोशन करेगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो आप SMDT के ग्रुप पर पूछ सकते हो। यदि आपको कोई लाइन क्लियर करनी हो या टर्म क्लियर करनी हो तो आप YouTube पे कमेंट सेशन करके आप कमेंट भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।